हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दो रूब्रिक का कंपैरिजन करेंगे, दैट इज फेनिंग सिक टू बी एंड एग्जैगरेटिंग। ठीक है, तो ये दो रूब्रिक में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आज मुझे क्वेरी थी कि मैम आप इस पे यूट्यूब बनाइए, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ जो मुझे आता है मैं शेयर करती हूँ। तो फेनिंग सिक टू बी, सिंपल मीनिंग समझे तो बीमार होने का नाटक करना, इसमें बीमार और नाटक दोनों चीज़ें। और दूसरा रूब्रिक है एग्जैगरेटिंग, बढ़ा चढ़ा के, मतलब इतना ज़्यादा है ऐसे चीज़ों को या अपने सिम्टम को या किसी भी चीज़ को बताना। ठीक है, ये मैंने सिंपल आपको बताया, दोनों चीज़ें अलग हैं, है ना। बट फिर भी कितनी बार जब पेशेंट बोलता है तब हमें कन्फ्यूजन होता है, तो हम इसको डिटेल में समझने के लिए पहले उसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो फेनिंग क्या है? टू प्रिटेंड दैट यू हैव ए पर्टिकुलर फीलिंग और यू आर इल, मतलब ऐसी फीलिंग, कोई चीज़ को समझना किसी चीज़ को, या आप बीमार हो ऐसा फील करना। ठीक है, फेनिंग। अब इसमें क्या होता है कि फेनिंग सिक टू बी, मतलब ये बीमार होने का नाटक कर रहा है। बीमार होने का नाटक कोई क्यों करेगा? सबसे पहले हमें ये सोचना है कि कोई क्यों नाटक करेगा ना बीमार होने का। अच्छा बनने की कोशिश सब लोग करते हैं, लेकिन नाटक कर रहे हैं ना, ये बीमार है नहीं। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, ये बीमार है नहीं पर नाटक कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसका कोई ना कोई मोटो रहेगा। पेनिंग सिक टू बी में कोई मोटो रहता है जो उसको फील करना होता है, कि वो काम उसका निकलवाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि बच्चे जब स्कूल नहीं जाना है तो बोलते हैं मम्मा आज बहुत पेट दर्द है, मम्मा आज मुझे प्लीज़, है ना। तो ये हो गया, और जैसे ही अगर हमने बोला हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं चलो मत जाओ, फिर एक घंटे बाद ये लोग आराम से खेल रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये इनका नाटक था। ठीक है, तो ऐसे मतलब जब उनका मोटो फील हो जाता है तो ये फेनिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर इनको ज़रूरत नहीं है नौटंकी आगे करने की। तो सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी कि इनका मोटो होता है इसलिए बीमार होते हैं, और जैसे ही इनका मोटो कंप्लीट होता है इनकी बीमारी चली जाती है। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या होता है, इनको रियल में बीमारी तो है नहीं, तो ये लोग अगर इनको हम बोलेंगे कि बेटा दवाई ले लो, या अगर समझो कुछ ज़्यादा ही बोलेंगे तो बोलेंगे चलो डॉक्टर के पास चलते हैं इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो ये लोग जनरली मना करते हैं कि नहीं मुझे दवाई नहीं लेनी, ठीक है कोई बात नहीं मैं आराम करता हूँ, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा। ये अपने बहाने उनके चालू रहते हैं कि नहीं चलेगा कोई बात नहीं। और अगर हम इनको लेके जाएं, या सपोज़ ये लोग आ भी गए कि हाँ चलो मुझे तो बहुत तकलीफ़ है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और हमने इनकी रिपोर्ट करवाई, तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, मतलब हमें वहाँ पे भी जब हमें लगे कि पेशेंट कुछ बोल रहा है कि मुझे ये बीमारी मुझे वो बीमारी मुझे ऐसे होता है वैसे होता है, और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तब हमें एक फेनिंग सिक सोचना चाहिए। और इनका आईपीआर है, दूसरा एक पकड़ने का तरीका। फेनिंग सिक टू बी वाला जो आईपीआर के साथ का जो रिलेशन है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक वर्जन बताती हूँ कि एक लड़का था, 5-6 साल का था, ठीक है, तो इसकी मम्मी लेके आई, बोले इसको ना बहुत 6 महीने से इसको बहुत सिरदर्द वगैरह होने लगा है, और बिल्कुल सिरदर्द में बिल्कुल लेट जाता है, पहले तो बहुत खेलता रहता था खुश रहता था, अब पता नहीं इसको 6 महीने से क्या हो रहा है, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ज़्यादा, तो मुझे इसको लेके बैठना पड़ता है, तो इसके पास बैठूँ तो इसको ठीक लगता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा और कुछ मतलब आपकी, और फिर हाँ उसकी मम्मी ने ये बताया कि मेरी एक्चुअली बेटी हुई है अभी 4 महीने पहले ही, तो मुझे उसको भी देखना होता है और इसको भी देखना होता है, और मैं जब भी इसको देखती हूँ छोटी वाली को तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल वर्जन था कि ये न्यू बॉर्न, वैन हमारे पास रूब्रिक है, वैन न्यू बॉर्न गेट्स अटेंशन जेलसी फ्रॉम न्यू बॉर्न गेट वैन न्यू बॉर्न गेट अटेंशन, तो मैंने ये पेशेंट को इग्नेशिया दिया था। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता है, तो फेनिंग का कोई मोटो है कि भाई उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो पेशेंट क्या कर रहा है ना कि बीमार होने का नाटक, ताकि मुझे भी अटेंशन मिले। तो ऐसे कोई ना कोई मोटो हमें ज़रूर मिलता है। सो आईपीआर के साथ रिलेशन,
कभी कभी होता है कि अपनी कोई बात मनवाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं या कोई चीज़ को मैनिपुलेशन होता है कि भाई ऐसे करने के लिए, तो ऐसे केस में पल्सेटिला होती है, कभी कुछ होता है, अलग अलग मेडिसिन होती है, तो हमें उस चीज़ को देखना है कि ये पेनिंग क्यों कर रहा है और बाकी सारी चीज़ें पिक्चर क्या है, IPR के साथ रिलेशन क्या है, और चीज़ों को देखे हम पेनिंग कन्फर्म कर सकते हैं। उसके वर्जन में हमें यही मिलेगा ज़्यादातर कि मुझे ये होता है वो होता है, ठीक है। फिर जैसे उसको रिलैक्स कर दो, सपोज़ कोई लेडी है उसको खाना नहीं बनाना है, ठीक है, पल्सेटिला टाइप की है, तो वो क्या बोलेगी, मुझे आज बहुत दर्द है आज, प्लीज़ अब खाना बाहर से ले आओ, प्लीज़ अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। और जैसे ही फिर खाना ऑर्डर कर दिया, खाना आ गया, फिर ये मैडम एकदम मस्त हो जाएंगे, फिर इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से फेनिंग हम समझ सकते हैं। दूसरा रूब्रिक है एग्जैगरेटिंग, बढ़ा बढ़ा के, बढ़ा बढ़ा के बोलना, ठीक है। एग्जैगरेटिंग में क्या होता है कि टू मेक समथिंग सीम लार्जर, बेटर, वर्स देन इट रियली इज, जो रियल में चीज़ है उससे ज़्यादा बताना। अब ये चीज़ बीमारी के साथ या सिम्टम के साथ भी हो सकती है या अलग भी हो सकती है, ठीक है। और एग्जैगरेटिंग, अब एग्जैगरेटिंग क्यों करते हैं, ठीक है। पेनिंग का हमने समझ लिया कि उसको चाहिए कि उस पर टेंशन हो, प्लस उसको जो काम नहीं करना है, फॉर एग्जांपल स्कूल नहीं जाना है, तो वो नाटक इसलिए करता है कि उसको स्कूल नहीं जाना है। एग्जैगरेटिंग क्यों करते हैं, एग्जैगरेटिंग में आप चाहते हो कि आपको या आपकी बात को या आपकी बीमारी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, ठीक है, इसलिए, या आपको समझ ही नहीं है कि आपको क्या बोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। एग्जैगरेटिंग में वो भी है एगेरिकस, ठीक है, एगेरिकस को स्पून फुल ऑफ वाटर हो गया, वो भी उसको इतना बड़ा सा लेक लगता है, मतलब इतना बड़ा है, उसको सेंस नहीं है, उसका जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि आप है ना, जब भी रूब्रिक हम स्टडी करते हैं ना, उसका क्रॉस रूब्रिक ज़रूर देखना चाहिए। जब भी हम मीनिंग में कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या हो सकता है या इसको कब लगाना है, तो मैं क्या करती हूँ, उसका क्रॉस रूब्रिक्स देखती हूँ। क्रॉस रूब्रिक से हमें और ज़्यादा क्लियर आइडिया आता है कि ये रूब्रिक किस चीज़ में है। उसके बाद उसकी मेडिसिन देखो और मेडिसिन का वाय समझने की कोशिश करो कि ये मेडिसिन इसमें कैसे करेगी, तो आप उसको अच्छे से पिक कर सकते हो। तो उसका जो एग्जैगरेटिंग है ना, उसका क्रॉस रूब्रिक है डिस्प्रोपोर्शन, जो समझने में उसको अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी डिस्टर्ब है, इसलिए वो एग्जैगरेट करता है। फिर एग्जैगरेटिंग जो होता है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि एग्जैगरेटिंग वाला चाहेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी दवाई दो। जब पेशेंट आएगा तो मुझे ऐसे बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे तो इतनी छींकें आती है, इतनी छींकें आती है, हम बोलेंगे अच्छा, मतलब सुबह सुबह बोले बहुत छींकें आती है, हम बोलेंगे अच्छा कितनी छींकें आ जाती है, तो वो बोलेगा कम से कम 100-200 तो आई जाती है। और 100-200 कुछ भी, मतलब लिमिट हमें लगता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, ऐसे होता है। और उनको रिपोर्ट्स वगैरह का तो ठीक है, लेकिन उनको मेडिसिन चाहिए, वो लोग मेडिसिन मांगते हैं, क्योंकि वो लोग सेंसिटिव होते हैं। कभी कभी ये होता है, उसका भाई ये भी होता है, कितनी बार वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको फील ज़्यादा होता है, और जो फील होता है भाई वो एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए एग्जैगरेटिंग करते हैं। या उनको लगता है मुझे जल्दी से जल्दी कैमोमिला है, इसमें इम्पेशेंट होते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी मुझे रिलीफ चाहिए, इसलिए वो एग्जैगरेटिंग करते हैं, ठीक है। और अटेंशन ज़्यादा चाहिए, वो तो दोनों में कॉमन है कि दोनों को अटेंशन चाहिए, इसलिए करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जैगरेटिंग। और एग्जैगरेटिंग वाला क्या होता है कि बढ़ा चढ़ा के, फॉर एग्जांपल इसका एक वर्जन मैं बताती हूँ। मेरा एक पेशेंट है और उसको मैं, मतलब कैल्केरिया काप है, कभी कभी कुछ भी होता है, मोस्टली उस पर कैल्केरिया काप काम करती है, ठीक है। तो एक बार आया, उसने मुझे बोला, और वो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास में से है, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस जैसे करते हैं वैसा ही, लोअर मिडिल क्लास समझो, और बोलता है कि मैंने बात निकली हमारी कुछ, मैंने कहा कैसे चल रहा है आपका काम वगैरह। मैम काम तो देखो ठीक ही चल रहा है, कोई काम की तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे, और मैंने तो सोचा है कि अब है ना 1-2 करोड़ का तो कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा है ना 500 करोड़ बनाने वाला हूँ। 500-600 करोड़ तो बनाओ तो मतलब है, नहीं तो 1-2 करोड़ तो कोई भी आजकल कमा लेता है, 1-2 लाख कमाना दिन की कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं उसको देख रही थी, अच्छा ठीक है, कितना
कितना फेंकना, फेंक तो ठीक हो, कितना फेंकना, ये एग्जैगरेटिंग। किलकिया का इतना एग्जैगरेट क्यों करता है? बोस्टर में है, डिलीजन वेल्थ में है, बट एक्चुअली क्या है? फटू आता क्या है? लकड़ी लेके। क्यों? कुत्ते से डर लगता है। मैंने, भाई यार तू कितना फेंकेगा, है ना? तो एग्जैगरेटिंग वाला बहुत जोर। फिर दूसरा एक वेल्थ वाला एक बंदा और है, कैनाबिस इंडिका, ठीक है? तो कैनाबिस इंडिका कैसा है? वेल्थ वाला है, ठीक है, लोकोमोटिव है कि मैं सबको लेके चलता हूँ। और वैसे भी वो एक ड्रग रेमेडी है, तो ड्रग लेने के बाद जैसे हम कैसे हो जाते हैं ना, हमारी एनर्जी एक्सेस हो जाती है, हम अपनी एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, तब हमें अपने दुनिया के जो गम है, जो हमारी परेशानी है, उसे हम मुक्त मतलब इसीलिए तो लोग ड्रग लेते हैं, बट वो टेम्पररी इफेक्ट होता है। बट जब कैनाबिस लेते हैं तो वो उसको ऐसा लगता है कि मैं ही मैं सब कुछ हूँ, मतलब मैं उसमें इतने सारे डिल्यूजन वाले, डिल्यूजन टॉल या डिल्यूजन जिराफ या डिल्यूजन क्वीन, सारे अपने आप को सुपीरियर एक अलग ही लेवल में फील करते हैं वो लोग, तो वो इसलिए वो एग्जैगरेटिंग में है। तो एग्जैगरेटिंग वाला है वो हमें लगेगा यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, पेशेंट के जो IPR है वो भी बोलेगा यार ये इसकी ऐसी आदत है। एग्जैगरेटिंग वाला जैसे अगर उसको पेट दर्द हो रहा है और वो ऐसे बताएगा और IPR बोलेगा इसको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान मत दो, वो IPR के साथ हमारी ट्यूनिंग अगर बैठ जाती है ना तो IPR भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें बता देता है, ठीक है? तो ये दोनों में आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एक और रूब्रिक जो हम इस कितनी बार मिक्स हो जाता है वो एक है थ्रेटनिंग, ठीक है? जो केस शेयर हुआ था उसमें थ्रेटनिंग भी था। अब थ्रेटनिंग और इसमें क्या होता है कि थ्रेटनिंग मतलब डराना, आप इसमें ना बीमारी का नाटक है ना इसमें, हाँ बढ़ा के और डरा के, बढ़ाना और डराना ये दोनों में सेम लग सकते हैं, एग्जैगरेटिंग और थ्रेटनिंग। बट थ्रेटनिंग मतलब क्या है ना, ये लोग थोड़े IPR पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने आप को IPR को मैनिपुलेट करना या IPR को दबाना जानते हैं। थ्रेटनिंग वाला जो भी होता है वो बंदा स्ट्रॉन्ग रहेगा थोड़ा IPR पे, मतलब IPR पे उसकी पकड़ रहती है, ये चीज़ हमें देखनी है। और थ्रेटनिंग सिंपल भी हो सकता है कि उसमें सपोज लेकेसिस है तो वो क्या थ्रेटनिंग करेगा, जैसे कोई बंदा बैठा है एकदम से कोई डर जाएगा क्या हुआ, है ना? तो ये होता है उसका एंटिक्स प्ले, उसका एम्यूजमेंट, उसको मजा मस्ती चाहिए, जस्टिंग में है, मोकिंग में है, मस्ती मजा वाला बंदा है लेकेसिस, तो वो थ्रेटनिंग क्यों करे? उसकी थ्रेटनिंग क्या होती है? इस तरह से मजा मस्ती वाली। फिर दूसरा टेरेंट्यूला क्या थ्रेटनिंग करता है कि उसको जो चाहिए, उसको जो मजा मस्ती चाहिए, जो कनिंगनेस में है, उसको मज़ा किस में आता है ना, लोगों को परेशान छेड़ना ये वो, उसको उसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत कनिंगनेस और डिसिटफुल और ऐसी मेडिसिन है, मतलब क्वेश्चन एम्बलेशन, मतलब मस्ती मजाक लोगों को छेड़ने में, ऐसे ट्रिक्स करने में टेरेंट्यूला को बहुत मज़ा आता है। तो टेरेंट्यूला जो है ना उसकी बात अगर नहीं मानो, जैसे उसको अगर किसी चीज़ का मना करो तो उसका जो फेनिंग है वो भी फेनिंग में है, तो उसका जो फेनिंग है ना वो इस लेवल पे रहता है ना कि IPR डर जाता है, IPR को लगता है यार सीरियसली कुछ तो नहीं हो जाएगा ना, जैसे कितनी बार हम अवॉइड करते हैं। बट इस थ्रेटनिंग वाले जो टेरेंट्यूला जो है उसको निगलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यार सही में कुछ हो गया तो फिर हमें यार गिल्ट रह जाएगा, चलो इसकी बात मान लेते हैं, कुछ मांग रहा होगा तो हम दे देते हैं, तो इस तरह का थ्रेटनिंग रहता है। फिर थ्रेटनिंग में सपोज हायोस भी है, तो हायोस का थ्रेटनिंग क्या रहेगा? देखो डॉक्टर साहब अभी आप नए हो, ठीक है, अगर मेरा ठीक कर दिया तो मैं आपको 4 पेशेंट ले आऊँगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो फिर आप समझ लेना आप मेरे एरिया में नहीं बैठ पाओगे, तो ये उसका थ्रेटनिंग होता है। अगर कोई नया डॉक्टर है तो उसको हायोस वैसे तो जाएगा ही नहीं, बट इनकेस समझो किसी ने रेफ़र कर दिया कि भाई नहीं बहुत डॉक्टर अच्छा है, उसको थोड़ा सा तसल्ली हो गया फिर जाएगा, फिर वो थ्रेटनिंग करेगा डॉक्टर को, वो थोड़ा सा हावी होने की कोशिश जो लोग करते हैं वैसा। फिर थ्रेटनिंग में ट्यूबरक्लिनम है, ये भी बड़ा शैतान बच्चा होता है, ट्यूबरक्लिनम डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, ऑब्स्टिनेट है, उसको जो चाहिए वो चाहिए, मतलब IPR उसका इतना परेशान रहता है ट्यूबरक्लिनम का, एक तो डिस्ट्रक्टिव है मतलब कुछ भी तोड़ फोड़ देगा, और थ्रेटनिंग उसकी वो होती है अभी तोड़ दूंगा और लिटरली तोड़ भी देता है। और ट्यूबरक्लिनम इतना अपने आप को इंजुरी करता है, क्योंकि ट्यूबरक्लिनम चाइल्ड को पता है कि माँ बाप की एक रूब्रिक है कि माँ बाप की प्यारी चीज़ों को तोड़ो, और सबसे ज़्यादा माँ बाप को प्यारे होते हैं उनके बच्चे,
तो वो अपने आप को इंजरी करने की धमकी देता है, मतलब थ्रेटनिंग करता है, और रियल में एक्चुअली अगर उसकी बात नहीं मानो तो ट्यूबरकुलिनम कर भी सकता है वो, ऑडेसिटी में वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं, उसको उसका एडमिसमेंट चाहिए, मतलब चाहिए, अगर मोबाइल नहीं दिया तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, अगर ये नहीं किया तो मैं ऐसे करूँगा, तो ये ट्यूबरकुलिनम हो सकता है। टेरेंट्यूला और ट्यूबरकुलिनम ये दोनों भी पास में लगते हैं, बट टेरेंट्यूला डराएगा करेगा नहीं, कनिंग है बहुत ज़्यादा, स्मार्ट है वो, करेगा नहीं, मैं काट लूँगा, लेके बैठ जाएगा पूरा, बट वो काटेगा नहीं, ट्यूबरकुलिनम का हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ये हो गया थ्रेटनिंग, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा, और अगर ऐसे कोई रूब्रिक है जिसमें कन्फ्यूजन हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, थैंक यू।